हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नई बुक के साथ आए हैं जिसका टाइटल है बिलीव इन योर सेल्फ। इसके राइटर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो ये ऑडियो बुक समरी पूरी सुने, क्योंकि अगर आप पूरी नहीं सुनते हैं, आधी अधूरी सुनते हैं, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में भी उसे देख सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपने अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं? क्या आपने किया है लेकिन आपको सही तरीका इसका नहीं पता है? इसके विभिन्न टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से आप इसका उपयोग करके एक अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए है। बहुत काम की होने वाली है ये बुक समरी, क्योंकि इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक समरी को पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले बाहरी संसार, जिससे हम डे टू डे लाइफ में रूबरू होते हैं, उसको इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं, उसमें बदलाव लाने से पहले हमें अपने अंदर ही बदलाव लाना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीव सिस्टम को इनक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर इस पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोग कैसे बिलीव करेंगे? पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीज़ों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति बिलीव बन जाता है, तब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने दो खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करे। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों ने एक में उड़ना सीख लिया, जबकि दूसरा पक्षी नहीं उड़ पा रहा था। मतलब उसने कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की, वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाना सिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिसमें वह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार अधिकतर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं और उनसे हट करके अपनी नई सोच को विकसित नहीं करते हैं। वह कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि इन दुखों के बिना ज़िंदगी कैसे होगी। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो निगेटिविटी या निगेटिव सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर विश्वास होता है और ना दूसरे लोगों पर, और ना ही ब्रह्मांड की जो पावरफुल शक्तियाँ रहती हैं उन पर। ऐसी कंडीशंस में उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला क्या है? वो अपने मन की बात को मानकर निराशा के समंदर में डूबा रहे, मतलब अपने दुख को स्वीकार कर ले और उसी दुख के साथ जीवन जीना आगे चालू रखे। दूसरा, उस दुख को ख़त्म करने के लिए
कई प्रकार के रास्ते खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हमारा माइंड होता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से ट्रू कर सकती है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका माइंड उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज़ को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, वह चीज़ निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप निश्चित रूप से सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के बिलीव का है। एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई आर्किटेक्चर किसी इमारत को बनाता है, तो उससे पहले वो अपने माइंड में ही उस इमारत की स्ट्रक्चर को बना लेता है कि कैसे उसका बेसमेंट होगा, कैसे उसका ऊपरी वाला हिस्सा होगा और वो किन किन चीज़ों से बनेगा। उसके बाद वो उसको मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न सामग्रियों को एकत्रित करता है और वर्कर्स द्वारा उसे बनाना चालू कर देता है। और अंत में जो उसने माइंड में एक इमेज क्रिएट किए था, उसी को वह एक मूर्त रूप में देखता है कि वही सेम बिल्डिंग उसके सामने खड़ी है। इसलिए मन के विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो, वह तैरकर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है, तो डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास होता है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता है, वो सोच सकता है कि उसके अंदर विश्वास नहीं है कि वह तैर लेगा, इसलिए मन में विश्वास नहीं होने के कारण वह कभी भी तैर नहीं पाता है, इसलिए वह डूब जाता है। यानी कि यह इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव थॉट को लगातार जारी रखता है और जिसका परिणाम भी नेगेटिव ही होता है। मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीज़ को दूर कर लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग करते हैं और उसे विजुअलाइज करते हैं, तब आपको वहाँ पर अपने इमोशंस को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। हमारी फीलिंग्स और इमोशन की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिज़ायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, तब वहाँ पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है हमें। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर फीलिंग को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा और इससे आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिलते हैं। उस बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी, और उसने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था और बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वह सोचता था कि उसके एक बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसकी पूरी ब्रांच पूरे देश में फैली होगी। उसने कहा अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज और स्टोर्स की पिक्चर बनाया करता था और उसे बहुत देर तक विजुलाइज करता था और यह सोचता था कि वो वास्तव में घटित हो चुकी है। इसी कारण उसका रिजल्ट एक दिन एकदम साकार हो गया जो कि वह देखता था। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिलती थी। धीरे धीरे वह प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा।
मतलब धनवान धीरे धीरे होने लगा। पलाव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वह सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी में बना लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खासतौर पर पसंद आई, अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना, लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है, उनके मन में वह पिक्चर और गोल्स है जो पाना चाहते हैं। डेवलप ए राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए ऑथर यह बोलते हैं कि उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनः जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च काउंटर पर डिस्प्ले करने के लिए लगा दिया था जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया की कट्टर विरोधी थे। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबिल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया जिससे उनके अंदर बदलाव आना चालू हुआ। वह स्टोरी का प्लॉट समझ गई और फिर वह आर्टिकल के एंथुसियास्टिक हो गए। उसने ऑथर के लेखक लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पंपलेट भेज दिए। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल सिचुएशन और ऑब्जेक्ट पर मेंटल रिएक्शन। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं, नहीं तो आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर ही नहीं होती है। ऑथर ये बोलते हैं कि कई लोग का लाइफ को लेकर सैड व्यू यानी निराशाजनक व्यवहार और एटीट्यूड हमेशा निगेटिव रहता है जो कि उनकी सारी परेशानियों को जड़ ही होता है। द पावर ऑफ बिलीव। राइटर हमसे बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन इसका इलाज करने का फैसला किया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह पर गया जहाँ उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा, वह एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया, इसके बदले उन्होंने $500 लिए। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था और सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मढ़वा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह क्रॉस या अंगूठी को छूने मात्र से ही आपकी जितनी जानलेवा रोग या बीमारी है ये तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी दी कि उसके फादर उसके हाथ से उस रिंग को छीन लिए और अपने सीने पर ही रखकर सो गए। बाद में जब प्रेयर करते करते वो सोए, अगली सुबह उन्हें कुछ जादू सा महसूस हुआ। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे कि ये गंभीर बीमारी कभी ठीक हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उस फुटपाथ पर पड़े लकड़ी के टुकड़े ने आदमी को इस प्रकार विश्वास दिला दिया कि वह अपने अंदरूनी बीमारी को ठीक करने में स्वयं ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह बात पहुंचाया जिसके कारण उसका इलाज संभव हो पाया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या क्या ट्रिक अपनाई गई थी। अगर उसे पता चलता तो शायद हो सकता है कि उसे दोबारा टीबी हो जाती, लेकिन वह एक बार पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया और वह लगभग आगे चल के 15 साल तक जिए। तो फ्रेंड्स, ये रही बिलीव इन योरसेल्फ की ऑडियो बुक समरी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।